है कि एक भोपाल गैस ट्रेजेडी में गैस लीक हो गई थी, उसका नाम बताइए। ये सवाल हमसे पूछा गया एक बार तो जेई मेन्स में, जो कि बहुत ही शॉकिंग था जेई मेन्स के लिए। उसके अलावा ये हमसे एम्स में भी पूछा गया। चलिए ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आती है। नीड में भी ये पूछा गया, लेकिन बायो के सेक्शन में पूछा गया। ठीक, तो आपको तीनों एग्जाम्स में ये सवाल मिल जाएगा कि हमारे भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी। द आंसर इज वॉट? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस थी जो हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी में लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगर फॉर्मूला आप देखना चाहते हैं, दैट विल बी CH3NCO। तो साइनेट CNO, आइसोसाइनेट NCO। अब ये हमें किसी और नाम से अगर इसका शॉर्टकट नाम बताएं तो कहते हैं M यहां से पकड़ लीजिए, I यहां से देख लीजिए और ये C देख लीजिए, नाम इसका हो जाता है MIC गैस। उसके अलावा इसका एक और नाम है जिसको कहा जाता है मिथाइल कार्बिल अमाइन। तो ये इसके दो नाम है और एक ये छोटी सी शॉर्ट फॉर्म है और ये इसका फॉर्मूला है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो पेस्टिसाइड्स आई थिंक पेस्टिसाइड्स ही बना रहे थे, उसमें ये गैस लीक हो गई थी, इसमें बहुत हैवी लॉस हो गया था, काफ़ी ज़्यादा मैनहुड का लॉस हुआ और काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें सफ़र कर गए। एक बात तो ये हो गई। उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो NCO है, आइसोसाइनेट, ये हम अपने सिलेबस में कहाँ पे देखते हैं, हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो सुन लीजिए। इसको हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे? जब आप HBDR रिएक्शन पढ़ते हैं। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन नहीं है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में सर जब आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, हालांकि वहां तक आते आते कम से कम ये डे वन से हम लोग डे 50 पे आ जाएंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि मैकेनिज्म के जो सेकेंड लास्ट स्टेप होता है उसमें हमारा ये बनता है आइसोसाइनेट, जिसके हाइड्रोलिसिस से हमारा प्रोडक्ट बनता है अमाइन। हॉफमैन ब्रोमामाइड हमारे सिलेबस की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो उसको वहीं पर अमाइन्स में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिथाइल आइसोसाइनेट की बात हो गई, हॉफमैन ब्रोमामाइड में ये मैकेनिज्म में बनता है, उसके अलावा MIC मिथाइल कार्बिल अमाइन। तो ये तो बात हो गई हमारे पहले सेक्शन की, जिसमें हमने आपको वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बताया, साइनेट फंक्शनल ग्रुप और आइसोसाइनेट फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ से सीख के जाना है। ठीक, चलिए अब इसको हटाते हैं तो थोड़ा आगे की बात करते हैं।